हरि ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीनंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। आज का श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, अव्यक्तम् व्यक्तिमापरणम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम् देह ग्रहणात् प्राक् याक्षवत्वेन स्थितम् इदानीं वसुदेव गृहे व्यक्तिं भौतिक देहावच्छेदेन कार्यक्षमतां प्राप्तं कंचित जीवमेव मन्यन्ते। माम ईश्वरं अपि अबुद्धयः विवेकशून्यः अव्यक्तं सर्वकारणं अपि माम व्यक्तिं कार्यरूपतां मत्स्यकूर्माद् अनेक अवतार रूपेण प्राप्तं इति वा। मेरे अव्यय और अनुत्तम सर्वोत्तम तथा सर्व कारण रूप भाव को न जानने वाले बुद्धिहीन पुरुष अव्यक्त रूप मुझको व्यक्त व्यक्तत्व को प्राप्त हुआ मानते हैं। अव्यक्त देह ग्रहण से पूर्व कार्य करण में अक्षम रूप से स्थित और इस समय वसुदेव के गृह में व्यक्ति अर्थात भौतिक देह के अवच्छेद से कार्य करने में क्षमता को प्राप्त हुआ मुझ ईश्वर को भी अबुद्धि अर्थात विवेक शून्य पुरुष कोई जीव ही मानते हैं। अथवा अव्यक्त सबके कारणभूत भी मुझको व्यक्ति अर्थात मत्स्य कूर्म आदि अनेक अवतार रूप से कार्य रूपता को प्राप्त हुआ मानते हैं। कथम ते जीवाः त्वान्न विविच्छन्ति तत्र अबुद्धय इत्युक्तं हेतुं विवृणोति परम सर्व कारण रूपं अव्ययं नित्यं मम भावं स्वरूपं सोपाधिक मजानंतस्तथा निरुपाधिक मप्यनुत्तमं सर्वोत्कृष्टम अनतिशया द्वितीय परमानंद घनम अनंतम मम स्वरूपं अजानंतो जीवानुकारी कार्य दर्शना जीवमेव कंचिन मां मन्यन्ते ततो माम अनिश्वरत्वेना अभिमतं विहाय प्रसिद्धं देवतांतरमेवं भजन्ति ततश्चान्तव देव फलं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। अग्रे च वक्षते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम आश्रितम्। वे जीव आपका विवेचन क्यों नहीं करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उक्त हेतु जो अबुद्धय है उसका विवरण करते हैं। पर सर्व कारण रूप अव्यय नित्य मेरे भाव अर्थात सोपाधिक स्वरूप को न जानकर तथा निरुपाधिक
भी अनुत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट अर्थात अनतिशय निरतिशय अद्वितीय परमानंद घन अनंत मेरे स्वरूप को न जानकर जीवों के कार्य के समान कार्य करना देखने से कोई जीव विशेष ही मुझको मानते हैं। इसी कारण अनीश्वर रूप से माने हुए मुझको छोड़कर किसी दूसरे प्रसिद्ध देवता को ही भजते हैं और उससे अंतवान ही फल को प्राप्त करते हैं। यह इसका अभिप्राय है। भगवान आगे भी जाके कहेंगे अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुं आश्रितम् भगवान। हाँ, अर्थात मूढ़ व्यक्ति मानुष देहधारी मेरा अनादर करते हैं। ननु जन्म कालेपि सर्व योगी ध्येयं श्री वैकुंठ वैकुंठस्थ ऐश्वरंगेव रूपं आविर्भावितवती संप्रति च श्री वत्स कौस्तुव वनमाला किरीट कुंडलादि दिव्योपकरण शालिनी कंबु कमल कौमुदकी चक्र चक्रवरधारी चतुर्भुजे श्रीमत् द्वैनतेय वाहनी निखिल सुर लोक संपादित राज राजेश्वराभिषेकादि महावैभवे सर्वसुरासुर जेतरी विविध दिव्य लीला विलास शीले सर्वावतार शिरोमणो साक्षात वैकुंठ नायकी निखिल लोक दुख निस्ताराय भुवमवतीर्णे विरिंची प्रपंचा संभवी निरतिशय सौंदर्य सार सर्वस्व भूतो बाल लीला विमोहित विधातरी तरण किरणोज्ज्वल दिव्य पीतांबरे निरूपम श्याम सुंदरी करदीकृत पारिजातार्थ पराजित पुरंदरी बाण युद्ध विजित शशंक शेखरी समस्त सुरासुर विजयी नरक प्रभृति महादैत्येय प्रकर प्राण पर्यंत सर्वस्वहारिणी श्रीदामादि परम रंक महावैभव कारिणी षोडश सहस्र दिव्य रूप धारिण्य परिमेय गुण गरिमणि महामहिमनि नारद मार्कण्डेयादि महामुनिगण स्तुते त्वयि कथम अविवेकिनोपि मनुष्य बुद्धिर् जीव बुद्धिर् वित्यर्जुना संकाम अप्प नीनी सुराह भगवान। जन्म लेने के समय भी समस्त योगियों के ध्येय श्री वैकुंठस्थ ईश्वर रूप को ही प्रकट करने वाले और इस समय श्री वत्स कौस्तुव वनमाला किरीट कुंडल आदि दिव्य भूषण धारण करने वाले शंख पद्म कौमुद की गदा और चक्रवर सुदर्शन इन आयुधों को धारण करने वाली चार भुजाओं वाले श्रीमान वैनतेय गरुड़ रूप वाहन वाले संपूर्ण सुरलोकों के द्वारा संपादित राज राजेश्वराभिषेक रूप महान वैभव वाले समस्त देवता और असुरों को जीतने वाले विविध दिव्य लीलाओं के विलासशील संपूर्ण अवतारों में शिरोमणि साक्षात वैकुंठ नायक संपूर्ण लोकों के दुखों की निवृत्ति के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने वाले ब्रह्मा की सृष्टि में असंभव निरतिशय सौंदर्य की सार सर्वस्व मूर्ति अपनी बाल लीलाओं से विधाता को भी मोहित करने वाली सूर्य की किरणों के समान उज्ज्वल दिव्य पीताम्बरधारी निरुपम श्याम सुंदर करदीकृत पारिजात वृक्ष के लिए इंद्र को पराजित करने वाली बाणासुर के साथ युद्ध करते समय शशंक शेखर महादेव को पराजित करने वाले समस्त देवता और असुरों को जीतने वाले नरकासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों के प्राण पर्यंत सर्वस्व का हरण करने वाले श्रीदामा सुदामा आदि परम रंकों को महान वैभवशाली बना देने वाले 16,000 दिव्य रूप धारण करने वाले अपरिमित गुण गरिमा से युक्त महामहिमशाली
नारद, मार्कंडेय और अनेक महामुनिगण से स्तुत आप में अविवेकियों की भी मनुष्य बुद्धि या जीव बुद्धि क्यों होते हैं? इस अर्जुन की आशंका का निराकरण करने की इच्छा से भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। योग माया से समावृत आच्छादित हुआ मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ, इसीलिए मुझ अजन्मा और अविनाशी को यह मूढ़ लोक नहीं जानता है। हरि ही ओम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। गोविंद गोविंद रथांग पाणि। गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम।